अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं। सबसे पहले ये मैंने बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा सालन था कलेजी पोट का, और इसको कलेजी पोटा कहते हैं, और चिकन का ये कलेजी पोटा है। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने लाइफ विद साइमा के चैनल पर शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुई थी। तो सबसे पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और आज के व्लॉग में मैं आपको बस अपने बारबेक्यू करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मैं चिकन बारबेक्यू करती हूँ तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप किस तरह बारबेक्यू करती हैं। तो मैं आज आपके साथ बिल्कुल कम्प्लीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसको मसाला लगाना और उसको बारबेक्यू करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, और मेरे पास यहाँ पर चिकन और के जो पीसीज हैं वो लेग और थाए, ये मेरे पास कितने हैं, 18 पीस हैं, यानी कि लेग जो हैं वो भी मेरे पास 9 हैं और थाई भी मेरे पास 9 हैं, 18 पीस हैं मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से किसी धो लिया और कट लगाया, मैंने इसको तीन तीन कट लगाए हैं, दो दो फ्रंट पर और एक एक बैक पर। तो यहाँ पर मैंने अब जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया भर कर, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड की है। अब इसके अंदर मैं जो लीमू का रस है वो मैं तकरीबन एक बड़ा लीमू ले रही हूँ, उसका मैं रस इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 लेमन का रस डाल दें, अगर लीमू का रस नहीं है आपके पास है, लीमू नहीं है, तो आप विनीगर डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून, लेकिन लीमू के रस से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं लीमू निचोड़ के आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है चिकन को मैरिनेट करके रखना, आप जितना ज़्यादा उसको टाइम मैरिनेट करके रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। इतना ज़्यादा 2-3 दिन के लिए भी ज़रूरी नहीं है रखना, अगर आपने एक दिन पहले अगर बारबेक्यू करना है तो आप एक दिन रात को बारबेक्यू को मसाला चिकन को यानी कि लगा लें। जिस तरह के अगर मैं ये अब कल करूँगी तो मैं आज, ये रात का टाइम है तो मैं आज रात में इसको मसाला लगा कर रख रही हूँ। यहाँ पे मैं लीमू निचोड़ दिया है, और इसके अंदर मैंने नमक डाला टेस्ट के मुताबिक, नमक भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने यहाँ पर 1 टी स्पून डाला है। नमक ठीक होगा तो चिकन मज़ेदार तैयार होता है, यानी कि टेस्ट आता है उसके अंदर। और यहाँ पे मैंने नेशनल का जो तंदूरी मसाला है वो मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, सूखा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, रेड चिली पाउडर जो सा वो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस नहीं ऐड करती हूँ, नॉर्मल रखती हूँ। चाट मसाला जो है वो किसी भी कंपनी का आप ले लें, वो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है इसके अंदर। नॉर्मल स्पाइसेस मैं रख रही हूँ, काली मिर्च जो है उसका पाउडर मैं वो भी 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने देखा है कि रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने 1/2 टीस्पून ही डाला है, क्योंकि बारबेक्यू बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो वो भी नहीं अच्छा लगता, माइल्ड अच्छा नॉर्मल मीडियम फ्लेवर का हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अब इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1 पिंच, और साथ ही इसके अंदर मैं एक चुटकी जो होगी वो रेड फूड कलर का डालूंगी। इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर चिकन बहुत अच्छे कलर का मतलब के लगता है लुक में, और सर्व करते हुए भी आपको अच्छा लगता है उसका कलर। अब इन मसालों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि तंदूरी मसाला आप ऐड करें, तंदूरी मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, स्मोकी सा, और देखने में भी अच्छा लगता है। टिक्का मसाला से ज़्यादा अच्छा तंदूरी मसाले का फ्लेवर है, आप तंदूरी मसाला ही ऐड कीजिएगा। तो यह मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखें मिक्स करने के बाद कितना अच्छा सा कलर मसाले का आया है। यही कलर जब चिकन के ऊपर लगेगा, यानी कि यही मसाला, तो चिकन का बहुत अच्छा कलर आएगा, और देखने में भी जब आप उसको डिश आउट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने चिकन के ऊपर चिकन को धो लिया था, और इसको मैंने कट लगा कर तो टोकरी में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है उसके अंदर से निकल जाए। तो अब मैंने ये करना, थोड़ा थोड़ा मसाले लेती जाऊँगी और सारे कट्स के अंदर लगाती जाऊँगी, चिकन को अच्छे से मैं मैरिनेट कर लूँगी। ये देखें मैं कट्स के अंदर ही पहले मसाला ऐड कर रही हूँ, उसके बाद ही ऊपर चिकन के ऊपर अच्छे से मल दूँगी।
आपने भी इसको इसी तरह करना है, और ओवरनाइट जब आप इसको बस मसाला लगा के रख लें तो ये बहुत अच्छा नेक्स्ट डे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और मसाला जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, मैं देखें बहुत हल्का हल्का लगा रही हूँ, इतना बहुत है, इनफ है। और गर्मियों का मौसम है बारबेक्यू, तो आप चाहे 2-3 दिन छोड़कर भी कर लें तो अच्छा रहता है, वीक में एक दफ़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो बारबेक्यू का कनाडा में तो बिल्कुल भी चांस बनता ही नहीं है कि आप विंटर में बारबेक्यू कर सकें। गर्मियों में चांस होता तो मैं जितना थोड़ा हो ज़्यादा हो चिकन बनाना हो तो मैं बारबेक्यू ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लगा लिया मसाला अपने चिकन को, और ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा चिकन जो है वो मसाला लग गया इसको। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बस इसको फ्रिज में रख देंगे और पूरी रात ये पड़ा रहे, और नेक्स्ट डे हम इसको फिर अब बारबेक्यू करेंगे दोपहर के टाइम। मैं फिर आपको वो भी कंप्लीट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको बारबेक्यू किया है। चिकन को मसाला लगाने के बाद मैंने अपने लिए चेरी वॉश की है, और अब मैं खाऊंगी चेरी और इसके बाद बस फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैंने रात को ही चिकन को मसाला लगाया था और नेक्स्ट डे हम इसको करेंगे। तो जी दोपहर का टाइम है तकरीबन 5-6 बजे का, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा धूप है। सो खैर कोई बात नहीं, मैंने नीचे से गैस सिलेंडर को ऑन किया सबसे पहले, और यहाँ से जो है मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है, बिल्कुल बर्नर ऑन कर दिए हैं फुल फ्लेम पर। और सबसे पहले चाहे आपने बारबेक्यू स्टोव को क्लीन करके हमेशा रखें, जब आप बारबेक्यू कर लें तो उसको साफ़ कर कर ही रखें। यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जब आप बारबेक्यू करने लगे उसको एक दफ़ा दोबारा फिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और साफ़ करने का तरीका क्या है कि आप पहले एक दफ़ा बर्नर जो है ऑन कर लें, उससे क्या होगा कि बर्नर जो होते हैं वो गर्म होते हैं, ये जो जिसके ऊपर हमें ये जो मेटल की जो शीट बिछी हुई है ये गर्म हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा और जो कालक होगी वो भी उतर जाएगी। जैसा कि देखिए मैंने ऑन किया और मैं इसको टिश्यू से अच्छे से अब साफ़ कर रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत गंदा है वो भी उतर जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने स्टोव को दोबारा एक दफ़ा फिर साफ़ कर लिया, जो थोड़ी बहुत उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई थी वो भी उतर गया। और ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपने जो फ्लेम है चूल्हे की वो सबसे लो रखी हुई है। आपने सारे बर्नर जितने भी आपके बर्नर हैं उनका फ्लेम सबसे लो रखना है। अच्छा बेहतरीन बारबेक्यू तभी होता है जब आप उसको हल्की आंच पे पकाते हैं। तेज़ आंच पे बारबेक्यू हमेशा ऊपर से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो भी उसी तरह रहता है। मैंने सबसे लो फ्लेम पर अपना बारबेक्यू ऑन रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको आप सारे चिकन को अपने बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर फैला दूँगी। मैं चिकन लगा लूं। और यहाँ पे मैंने चिकन को अपने स्टोव की ग्रिल के ऊपर अरेंज कर दिया है। मेरे स्टोव के जो हैं 4 बर्नर हैं और मैंने चारों ऑन किए हुए हैं। अब बस मैं इसको लगाकर और इसका लिड जो है इससे बंद कर दूंगी, और इसको हम अब 5 मिनट तक देखेंगे दोबारा। पाँच मिनट के लिए कवर करने के बाद मैंने इसकी लिड को ओपन की है, और इसको मैं अब इसकी साइडों को चेंज कर रही हूँ, फ्लिप कर दूँगी मैं इसको। और आपने जो फ्लेम है वो उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, लो फ्लेम पर ही, सबसे लो फ्लेम पर ही बनाएं। बस यहाँ पे मैंने सारे चिकन की साइड चेंज कर दी है, इसके साथ मैं आलू भी ग्रिल कर रही हूँ। आलू को मैंने मोटा मोटा स्लाइस में काट लिया है, और उसके अंदर मैंने नमक, रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स लगाए हैं।
साथ ही थोड़ी सी मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होती है वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी आलूओं के ऊपर, और मैं इनको आलूओं को भी ग्रिल के ऊपर लगा दूँगी और फिर मैं ग्रिल को दोबारा कवर कर दूँगी। चिकन को 5 मिनट के बाद फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लिप किया था, उसके बाद फिर मैंने उसको 5 मिनट और रखने के बाद फिर उसकी साइड चेंज कर दी थी। इस तरह मैंने 4 टाइम इसकी साइडों को चेंज किया है, तो इस वक्त पानी बिल्कुल निकलना बंद हो गया था। और तकरीबन 20 मिनट के अंदर आपका चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बारबेक्यू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा चिकन माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से बारबेक्यू हो गया है। आलू भी ऐसे ही ग्रिल पे रखे हैं मैंने, 5 मिनट भी नहीं लगते और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। नान भी मैंने यहीं पे ग्रिल पे ही अपने सेक लिए हैं। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा चिकन बारबेक्यू तैयार है। और आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और जो जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे बहन भाई बारबेक्यू की कम्प्लीट रेसिपी चाहते थे उनको मैंने दी है, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब मुझे इजाज़त दे, कल बिल्कुल एक अच्छे से नए से व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।